पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यश प्रताप सिंह नैना को लेकर अपने चाचा जी के यहाँ डिनर करने मानसिंह हवेली आया था। डिनर के बाद यश प्रताप सिंह और किरण सिंह आपस में बात करने के लिए बाहर चले गए थे। वही नैना इस वक्त वॉशरूम से बाहर निकलकर आ ही रही थी, तभी उसकी मुलाकात नित्या से हो गई। जिस तरह से नित्या उस वक्त नैना को देख रही थी, नैना समझ गई थी कि नित्या उसे कितना नापसंद करती। फिर भी नैना ने सोचा कि क्यों ना वो ही अपनी तरफ से दोस्ती की पहल करे, इसलिए वो नित्या को देखकर मुस्कुरा दी। लेकिन नित्या के ऊपर नैना की मुस्कुराहट का कोई असर नहीं पड़ा, उल्टा वो नैना को ऊपर से लेकर नीचे तक जज करने की नजरों से देखने लगी, जिस वजह से नैना काफी अनकंफर्टेबल हो गई और वहां से जाने लगी। तभी नित्या ने नैना को रोकते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुमने यश की दौलत के लिए उससे शादी कर तो ली है, लेकिन तुम उसके दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। नैना को नित्या की वो बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो जानती थी कि उसे नित्या को सफाई देकर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। नैना से कोई जवाब नहीं मिलने पर नित्या और भड़क गई। तभी अचानक से उसने नैना के कपड़ों की तरफ देखकर उस पर तंज कसते हुए कहा, ये क्या पहना हुआ है? डिनर में कोई ये कपड़े पहनकर आता है? और ये क्या, कम से कम मिट्टी तो झाड़ देती, अपना नहीं तो यश की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। नैना को नहीं पता था कि वो आज डिनर के लिए यश के चाचा जी के घर जाने वाली थी, नहीं तो वो पहले से एक नए जोड़ी कपड़े अपने बैग में रख लेती। लेकिन जिस तरह से नित्या ने नैना को नीचा दिखाने के लिए बात कही थी, नैना को बहुत बुरा लगा, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपने आंसू पीते हुए बहुत ही इनोसेंटली नित्या से कहा, मुझे नहीं पता था कि आज हम लोग डिनर के लिए यहाँ आने वाले हैं। तभी नित्या ने नैना से कहा, जैसी तुम्हारी हालत है, तुम यश के साथ खड़ी होने के भी लायक नहीं हो, पता नहीं यश ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा। नैना की नजर में अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उसने नित्या को जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यश को मेरे साथ खड़े होने में कोई दिक्कत है, अगर होती तो वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं आती। ये कहने के बाद नैना बाथरूम से चली गई। वहीं नित्या कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि नैना उसे पलटकर जवाब देगी। उसकी आंखों में इस वक्त नैना को लेकर गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही थी। तभी उसने बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो यश ने मुझे छोड़कर इससे शादी कर ली, ये तो मामूली से भी ज्यादा गई गुजरी है। थोड़ी देर बाद यश और नैना वहां से नई हवेली के लिए रवाना हो गए। गाड़ी में बैठने के बाद नैना की नजर यश प्रताप सिंह के कपड़ों पर पड़ी, वो बहुत ही एलिगेंटली ड्रेस थे। फिर उसने अपने कपड़ों को देखा, उसके दिमाग में अभी भी नित्या की कही हुई बातें घूम रही थी। यश ने नैना की इस हरकत को देख लिया था, तभी उसने नैना से सवाल किया, क्या हुआ? उस बात पर नैना ने यश से कहा, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि हम डिनर के लिए मानसिंह हवेली जा रहे हैं, मैं उस हिसाब से तैयार होती, मेरी अभी की हालत देखो और दिनों से भी ज्यादा गई गुजरी है। उस बात पर यश ने नैना से सवाल किया, उससे क्या होता है? ये सुनते ही नैना ने तुरंत यश से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऐसे कपड़े पहनने की वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ सकता है? नैना की इस बात पर यश ने बिना किसी भाव से जवाब देते हुए कहा, मुझे शर्मिंदा करने के लिए तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है। अगली सुबह नई हवेली में सुबह के 10 बजे थे। नैना इस वक्त नहाकर बाथरूम से बाहर आई थी, तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। बाहर से सौम्या की आवाज आई, बड़ी बहू, क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? आओ सौम्या। नैना ने तुरंत जवाब दिया। कमरे में आने के बाद सौम्या ने नैना के क्लोजेट से उसके लिए नए कपड़े निकाले और उसे देते हुए कहा, सर ने कहा है कि आज आप ये पहनकर जाइए। उन कपड़ों को देखते ही नैना ने तुरंत अपना क्लोजेट खोलकर देखा तो वो देखते ही रह गई। एक सेक्शन में उसके अपने कपड़े थे और दूसरे में नए वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े थे। परसों ही नैना ने अपने क्लोजेट से इंडियन स्टाइल के सारे कपड़े हटाए थे, इससे बाद में यश ने वहां वेस्टर्न स्टाइल की एलिगेंट कपड़े रख दिए थे। सौम्या इस वक्त अपने हाथ में पीले रंग की प्लेटेड लॉन्ग स्कर्ट और साथ में व्हाइट कलर की प्लेन शर्ट निकालकर खड़ी थी। तभी नैना ने मन ही मन कहा, ये कॉम्बिनेशन तो काफी अच्छा लग रहा है, इस सड़ू की पसंद तो अच्छी है, लेकिन अगर मैंने आज इसकी पसंद के कपड़े पहन लिए तो इसका घमंड बढ़ जाएगा। फिर नैना ने सौम्या से कहा,
थैंक यू सौम्या, पर मैं जीन्स और डेली टी शर्ट में ही कंफर्टेबल हूँ। तभी सौम्या ने सर से कहा, बड़ी बहू ये सर का ऑर्डर है। ऑर्डर है क्या मतलब? ये कहते हुए नैना तुरंत यश के कमरे की तरफ गई। वो ताव में दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई और उसने सबसे पहले यश के कमरे का दरवाजा नॉक करना ही ठीक समझा। कमरे के अंदर से यश की आवाज आई, मैं नहाने जा रहा हूँ, आधे घंटे बाद बात करूंगा। उसी वक्त नैना को मेघा की कॉल आई। नैना ने तुरंत उसकी कॉल उठाई। तभी फोन के दूसरे तरफ से मेघा की आवाज आई, नैना कहाँ हो तुम? 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट है। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं तो भूल ही गई कि तुम कॉलेज की प्रेसिडेंट हो और तुम्हारे कंधे पर काफी जिम्मेदारियां हैं। मेघा की आवाज में हल्का सा तंज और हल्की सी शरारत थी। तभी नैना ने मेघा से कहा, तुम कहाँ हो? कॉलेज में। ये सुनकर नैना ने मेघा को डांटते हुए कहा, तो फिर और चिल्लाकर बोलना ताकि सबको पता चल जाए कि मेरी शादी हो गई है। नैना को शांत कराते हुए मेघा ने कहा, अरे मेरे आसपास कोई नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। कॉल कट करने के बाद नैना ने अपने आप से कहा, अभी सड़ू आधा घंटा तो नहाने में लगाएगा और उसके बाद आधा घंटा हमारी बहस होगी, तब जाकर मैं अपने पसंदीदा कपड़े पहनकर कॉलेज जा पाऊंगी। इससे अच्छा अभी यही पहन लेती हूँ, इससे इस बारे में कल बात करूंगी। ये कहने के बाद नैना ने यश के दिए हुए कपड़े ही पहन लिए और कॉलेज के लिए चली गई। अब नैना बुलेट से कॉलेज नहीं जाती थी। यश का ड्राइवर उसे कॉलेज से करीब आधा किलोमीटर दूर पहले उतार देता था, क्योंकि नैना ने यश से इस बात की रिक्वेस्ट की थी। नहीं तो यश के कहने पर पहले दिन ड्राइवर ने नैना को सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के सामने उतारा था। बाद में कॉलेज के बच्चों से पूछने पर नैना ने अपनी बाइक खराब हो जाने और सिंह परिवार के एक सदस्य को उसको लिफ्ट देने का बहाना बनाया था। थोड़ी देर बाद नैना कॉलेज पहुंच गई थी। आज बहुत दिनों बाद उसने कॉलेज की प्रेसिडेंट होने के नाते एक मीटिंग अटेंड की थी, जिसके बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। वो इस वक्त कॉलेज के ग्राउंड में बैठी मेघा से इस बारे में बात कर रही थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे आज की मीटिंग में बुला लिया, मैं तो खुद को भूल ही चुकी थी। आज मीटिंग अटेंड करके मुझे लग रहा है मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है। तभी मेघा ने नैना को छेड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने प्रिंस चार्मिंग से फुर्सत मिलेगी तब तो तुम किसी और चीज के बारे में सोचोगी। ये सुनकर नैना भड़क गई और उसने मेघा से कहा, तू मेरे मजे लेना बंद कर, समझी? काहे का प्रिंस चार्मिंग, एक नंबर का सड़ू इंसान है। तभी मेघा ने नैना से कहा, अच्छा तभी तुम उसकी पसंद के कपड़े पहन कर आई हो। क्योंकि मेरे पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था, नैना ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उस बात पर मेघा ने नैना से कहा, मैं कह रही हूँ तेरा चेंज ऑफ हार्ट होगा जल्दी, मैंने एक मूवी देखी थी खूबसूरत, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। एक झल्ली लड़की और एक राज घराने के लड़के को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी नैना ने मेघा को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम ये सब बकवास फिल्में देखना बंद करो, मेरी जिंदगी कोई फिल्म नहीं है। लेकिन किसी फिल्मी स्टोरी से कम भी नहीं है, मेघा ने तुरंत जवाब दिया। उन दोनों की ये नोक झोंक आपस में चल ही रही थी कि तभी अचानक से उन दोनों के सिर के ऊपर किसी ने बहुत सारी मिट्टी फेंकी। नैना और मेघा तुरंत अपने सिर और कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि यह हरकत माया की थी, जो इस वक्त गुस्से में उनके सामने खड़ी थी। माया को देखकर नैना जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माया के चेहरे पर अपनी इस हरकत को लेकर बिल्कुल भी शर्मिंदगी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने तुरंत नैना से कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। माया को इस वक्त वहां देखकर नैना काफी हैरान थी, क्योंकि माया आज से पहले कभी भी नैना के कॉलेज में नहीं आई थी। तभी नैना ने अपने मन में कहा, इससे मुझसे क्या काम आ गया जो ये मुझसे मिलने यहाँ चली आई। नैना ने फिर माया से कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है यही करो। तभी माया ने मेघा की तरफ देखते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए यहां से जाओ, मुझे नैना से कुछ बात करनी है। उस पर मेघा ने माया को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, जो भी बात करनी है यही करो। मेघा के हिसाब से माया नैना को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो नैना को किसी भी हालत में मेघा के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती थी। मेघा का जवाब सुनकर माया का मुंह बन गया और वो गुस्से से नैना की तरफ देखने लगी। तभी नैना ने माया से कहा, मेघा कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें जो भी कहना है उसके सामने कहो, और हाँ अपनी बात जल्दी खत्म करना क्योंकि मेरे पास फालतू समय नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा यश के साथ क्या रिश्ता है? माया के मुंह से ये बात सुनकर नैना दंग रह गई।
उसने मन ही मन कहा। ये क्या, कहीं सड़ू ने हमारी शादी के बारे में बता तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने वादा किया था। नैना से कोई जवाब नहीं मिलने पर माया ने उससे कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? तभी नैना ने माया से कहा, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर एनिवर्सरी वाले दिन वो तुम्हारी तरफ से क्यों बोल रहे थे, और कल शाम को तुम कॉलेज से उनकी कार में बैठकर क्यों गई थी? नैना ने माया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, एनिवर्सरी वाले दिन तो उन्हें पापा ने बुलाया था, और रही बात कल शाम की, तो कल लेक्चर के बाद मैं मेघा के घर गई थी, पूछ लो इससे। नैना ने सफेद झूठ बोलने की कोशिश की। मेघा ने भी उसका साथ दिया और कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, हम दोनों साथ में ही कॉलेज से बाहर निकले थे, फिर हमने पास के सुपरमार्केट से सामान लिया, उसके बाद हम दोनों मेरे घर निकल गए थे, तुमने किसी और को देखा होगा। क्या माया नैना और मेघा का झूठ पकड़ पाएगी या उसकी बातों में आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि माया नैना से मिलने उसके कॉलेज आई थी और उससे उसके और यश प्रताप सिंह के रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। माया ने नैना को एक दो बार यश प्रताप सिंह के करीब देखा था, जिस वजह से उसे उनके रिश्ते को लेकर शक होने लगा। माया की इस बात का जवाब देते हुए नैना ने कहा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा यश प्रताप सिंह से कोई रिश्ता नहीं है। तभी माया ने नैना से कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम यश को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो ना, मैं अभी जाकर पापा को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर नैना को हंसी आ गई और उसने माया से सवाल करते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? माया ने झट से नैना के इस बात का जवाब दिया, क्योंकि मम्मी पापा मेरे और यश प्रताप सिंह के रिश्ते के लिए मान गए हैं। माया के मुंह से ये बात सुनते ही नैना और मेघा का मुंह फटाका फटा रह गया। तभी नैना ने माया से कहा, और यश प्रताप सिंह का क्या, क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है? नैना की उस बात को सुनते ही माया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे वो अपनी किसी ख्याली दुनिया में चली गई हो। तभी उसने नैना से कहा, वो मान जाएंगे, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, हमारे परिवार का उनके साथ अच्छा रिश्ता है, और वो मम्मी पापा की एनिवर्सरी के दिन भी आए थे, इससे ये बात तो क्लियर है कि वो हमारे परिवार को पसंद करते हैं, इसलिए पापा जल्द ही यश प्रताप सिंह से मेरे रिश्ते की बात करेंगे। ये सुनते ही नैना को मन ही मन हंसी आने लगी। फिर उसने माया से कहा, लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि यश मुझ में इंटरेस्टेड है। ये सुनते ही माया भड़क गई और नैना को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगी। नैना हमेशा ही काफी कंफर्टेबल, कैजुअल और कूल कपड़े पहना करती थी, जो लड़कियों के कन्वेंशनल कपड़ों से बहुत अलग होते थे, और माया हमेशा काफी एलिगेंट तरीके से तैयार होती थी। माया घर से बाहर दुकान तक जाने के लिए भी पूरा तैयार होकर ही निकलती थी। होने को दोनों बहनें ही खूबसूरत थी, लेकिन माया को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड भी था। तभी माया की नजरें नैना के कपड़ों पर पड़ी। उसने कभी नैना को इतने अच्छे से तैयार होते नहीं देखा था। उसने तुरंत नैना से सवाल किया, ये तुमने किसके कपड़े पहने हुए हैं? किसके से क्या मतलब, मेरे कपड़े हैं, नैना ने तुरंत ही जवाब दिया। इस बात पर माया ने अपने माथे की दोनों भौहों को तानते हुए कहा, तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। तभी मेघा ने माया को सुनाते हुए कहा, क्यों, फैशन पर तुम्हारा ही कॉपीराइट है? माया ने मेघा की बात को इग्नोर करते हुए नैना से कहा, अचानक से तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका कैसे बदल गया? ओह, अब समझी, ये सब तुम यश को रिझाने के लिए कर रही हो। देखो, यश प्रताप सिंह मेरा है, इसलिए उससे दूर रहो, नहीं तो मेर से बुरा कोई नहीं होगा। माया की उस बात पर मेघा ने तुरंत तंज कसते हुए कहा, माया, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, इससे इंसान का बड़प्पन कम हो जाता है। ये कहते हुए मेघा ने नैना की तरफ देखा और दोनों आंखों आंखों में हंसने लगी। माया ने उस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उन दोनों को घूरते हुए वहां से चली गई। उसके चले जाने के बाद नैना ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ना जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे, जितना इस माया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ उतना ही ज्यादा इसके साथ उलझ जाती हूँ। फिर कुछ सोचते हुए नैना के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, लेकिन जिंदगी में पहली बार ये उलझन मेरी जिंदगी सुलझा देगी। मतलब?
मेघा ने तुरंत नैना से सवाल किया। उसकी बात का जवाब देते हुए नैना ने कहा, तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या करती हूँ। तभी नैना को उसके पापा दिनेश रावत की कॉल आई और उन्होंने उसे आज शाम को घर आने के लिए कहा। नैना ने जब से कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से वो सिर्फ वीकेंड्स पर घर जाया करती थी, लेकिन जब से नैना की यश प्रताप सिंह से शादी हुई थी उसने वीकेंड में घर जाना बंद कर दिया था, इसलिए आज उसके पापा ने उसे कॉल करके घर पर बुलाया था। पापा से बात करने के बाद नैना ने मेघा से कहा, मुझे पापा घर बुला रहे हैं, तुम जाओगी? मेघा ने सवाल करते हुए कहा। उस पर नैना ने जवाब दिया, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, फिर से उस माँ बेटी का झूठा ड्रामा देखना पड़ेगा, मेरे बस की बात ही नहीं है। तभी मेघा ने नैना को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें आज जरूर जाना चाहिए, नहीं तो माया का शक यकीन में बदल जाएगा और तुम्हारे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। मेघा के उस बात पर नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम बात तो सही कह रही हो। ठीक है नैना रावत, दिल पर पत्थर रखकर मुंह पर मेकअप कर लो, क्योंकि आज बहुत सारी एक्टिंग झेलनी है। नैना ने नई हवेली पर कॉल करके सौम्या को बता दिया था कि वो आज अपने पापा के घर जा रही है। उसने खुद को आज होने वाली बातों के लिए तैयार भी कर लिया था। वो उस वक्त रावत सदन के अंदर पहुंची ही थी कि तभी उसने दरवाजे के बाहर से अपने पापा और सौतेली मम्मी की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो दरवाजे के बाहर रुक गई और चुपचाप उन लोगों की बातें सुनने लगी। तभी दिनेश रावत ने अपनी बीवी कला रावत से कहा, तुम जानती हो ना यश प्रताप सिंह कितना खतरनाक आदमी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कोई नहीं समझ सकता, उसके साथ काम करना भी आसान नहीं है, और माया उससे शादी करना चाहती है, अगर हमारी माया की शादी उससे हो गई तो क्या वो उसके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाएगी, मुझे डर है यश प्रताप सिंह के साथ रहना आसान नहीं होगा, तुम माया को समझाती क्यों नहीं हो? तभी कला रावत ने कहा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, उस दिन पार्टी में जब से माया ने यश को देखा वो उसी से शादी करने की बात पर अड़ गई है, मैं भी उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही है, एक बार तुम उससे बात क्यों नहीं करते? उसी वक्त नैना घर के अंदर आ गई और सोफे पर जाकर आराम से लेट गई। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई बात सुनी ही नहीं। फिर उसने अपने पापा से कहा, आपने मुझे घर बुलाया? नैना को देखते ही उसके पापा ने कहा, अगर मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा तो तुम वीकेंड्स पर भी घर नहीं आओगी। उस बात पर नैना ने कटाक्ष स्वर में जवाब दिया, मेरे घर आने से कौन सा यहाँ पर कोई जश्न होता है, नैना अपने पापा से तमीज से बात करो, कला रावत ने नैना को डांटते हुए कहा। हालांकि नैना पर उस बात का कोई असर नहीं हुआ। तभी दिनेश रावत ने उससे कहा, थोड़ी तमीज तुम अपनी बहन से सीख लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हें तमीज से बैठना तक नहीं आता, ये कैसे लेटी हो सोफे पर, उठो और तमीज से बैठो, जब से हॉस्टल में रहने लगी हो तब से तुम्हारी बदतमीजियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। नैना ने तुरंत उनकी बात पर सरकास्टिक जवाब देते हुए कहा, आपकी लाडली माया है ना, उसे तो बहुत तमीज है, आप अच्छे से उसकी शादी कराइए, वो आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगी। इससे पहले कि दिनेश रावत नैना की उस बात का कोई जवाब देते, माया वहां पर आ गई और उसने कहा, पापा मैंने नैना की क्लासमेट मेघा से पूछा था, उसने कहा कि ये अंगूठी उसने नैना को दी है और इसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है। ये सुनकर दिनेश रावत ने नैना से सवाल किया, तो फिर उस दिन यश प्रताप सिंह इस अंगूठी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों बता रहे थे? नैना ने बिल्कुल भोले चेहरे से जवाब दिया, मुझे क्या पता, मैं तो उस दिन पहली बार उनसे मिली थी। दिनेश रावत ने नैना की बात पर एकदम यकीन कर लिया। जिस हिसाब से यश प्रताप सिंह की ताकत और एटीट्यूड था, वो उस बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि नैना और यश के बीच कोई संबंध हो सकता था। हालांकि माया को अभी भी नैना पर शक था और वो जलन की भावना से उसकी तरफ देख रही थी। जब नैना डिनर टेबल पर बैठकर अपने परिवार के साथ डिनर कर रही थी, तभी अचानक से उसका फोन बजा। नैना अपनी कुर्सी से उठी और भागती हुई सोफे के पास गई। फिर उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला। जब उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल थी। वही नैना की इस हरकत को देखकर माया और उसकी मम्मी ने एक बार नैना की तरफ देखा और दूसरी बार एक दूसरे की तरफ देखकर इशारे में कुछ बात करने लगे। नैना ने तुरंत वो कॉल उठाई। तभी उसे दूसरी तरफ से एक आवाज आई, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चली गई?
यश प्रताप सिंह की आवाज सुनते ही नैना ने दूर से एक नजर अपने घर वालों को देखा और उसके बाद वो उन लोगों से कुछ और कदम दूर चली गई। फिर उसने हल्की आवाज में यश को जवाब देते हुए कहा, मैंने सौम्या को कॉल करके बता दिया था कि आज मैं पापा के घर जा रही हूँ। तभी यश ने भारी आवाज में उससे कहा, क्या तुमने वहां जाने से पहले मुझसे परमिशन ली? मैं वो नैना सक पका गई, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी यश ने उससे कहा, 30 मिनट के अंदर मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ, नहीं तो 40 मिनट में मेरा ड्राइवर रावत सदन के सामने होगा। ये सुनकर नैना घबरा गई। उसने यश को समझाते हुए हल्की आवाज में कहा, देखो मैं कई वीकेंड से घर नहीं आई हूँ, अगर मैं इस वक्त यहाँ से चली गई तो मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे आज यहीं रुकने दो, मैं कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले तुम्हें तुम्हारी नजरों के सामने मिलूंगी, प्रॉमिस। यश प्रताप सिंह ने नैना की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दी। तभी नैना ने मन ही मन कहा, ये सड़ों की हाथी या ना, हाँ ही होगी, लेकिन अगर इसने सच में अपना ड्राइवर यहाँ भेज दिया तो। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए नैना डिनर टेबल पर वापस आ गई। तभी माया ने बहुत ही प्यार से नैना से सवाल करते हुए कहा, किसका कॉल था नैना? नैना ने झगड़ते हुए माया से कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब? तभी माया ने उससे कहा, नैना मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम ऐसे घबराते हुए कॉल उठाने के लिए गई, सब ठीक है ना? तभी नैना के पापा ने उसे डांटते हुए कहा, नैना माया तुमसे इतने प्यार से पूछ रही है और तुम उस पर झड़क रही हो, ऐसे बात करते अपनी बहनों से? नैना के हिसाब से माया गिरगिट की तरह रंग बदलती थी। जब भी दिनेश रावत होते तो वो नैना से बहुत प्यार से बात करती थी और अकेले में उसका असली रंग बाहर आ जाता था। नैना को पता था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो उस वक्त ये सोचकर घबरा रही थी कि कहीं यश सच में अपना ड्राइवर उसके घर के बाहर ना भेज दे, इसलिए उसका सारा ध्यान घर के बाहर से गुजर रही गाड़ियों के शोर की तरफ था। क्या यश प्रताप सिंह सच में अपने ड्राइवर को नैना को लेने के लिए रावत सदन भेज देगा? और अगर ऐसा हो गया तो क्या नैना के परिवार को उसकी शादी का सच पता चल जाएगा? आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनते रहिए। अगली सुबह उसके उठने से पहले ही वापस आ जाएगी, इसलिए अगली सुबह नैना रावत सदन में सबसे पहले उठ बात पर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि नैना अपने पापा के कहने पर उनसे मिलने रावत सदन गई थी। तभी उसे यश प्रताप सिंह ने कॉल करके हवेली में वापस बुलाया था। उस बात पर नैना ने यश को वादा किया था कि वो अगली सुबह उसके उठने से पहले ही वापस आ जाएगी, इसलिए अगली सुबह नैना रावत सदन में सबसे पहले उठ गई और तुरंत नई हवेली के लिए निकल गई। जब वो नई हवेली पहुंची तब सुबह के 7 बज रहे थे। नैना ने नई हवेली में कदम रखते ही टाइम देखते हुए खुद से कहा, 7 बज रहे, सड़ू अभी सो ही रहा होगा। ये कहते हुए वो तुरंत यश के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए नैना धीरे से कमरे के अंदर पहुंची और उसकी नजरें बिस्तर पर सोए हुए यश पर पड़ी, जिसे देखकर उसने फिर से अपने मन में कहा, बाप रे ये इंसान तो सोते समय भी खतरनाक लगता है, ऐसे सीना ताने कौन सोता है, ये सोते हुए भी रिलैक्स नहीं है। ये सब सोचते हुए नैना यश के बिस्तर के पास जाकर बैठ गई और उसके उठने का इंतजार करने लगी। वो आधे घंटे से शांत बैठी हुई थी। उसके मन में हल्का सा डर भी था कि यश उठने के बाद उसे कल रात घर पर नहीं आने के लिए डांटेगा तो नहीं। इन्हीं सब ख्यालों में आधे घंटे से ज्यादा बीत गया, लेकिन यश प्रताप सिंह अभी तक उठा नहीं था। तभी उसके फोन का अलार्म बजा, लेकिन यश अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठा। ये देखकर नैना थोड़ा परेशान होने लगी। उसने खुद से मन में कहा, इससे कुछ हुआ तो नहीं, अलार्म बजने के बाद भी इसके शरीर में कोई हलचल नहीं। नैना को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गड़बड़ थी, लेकिन नैना को यश के पास जाकर उसकी सांसों को चेक करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। यश के शरीर में अगले 10 मिनट बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। ये देखकर नैना की घबराहट बढ़ गई और वो उसकी सांसों को चेक करने के लिए उसके करीब पहुंची। उसी बीच यश ने अपनी आंखें खोली और नैना के हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे बोल सकती थी अगर 3 महीने सब्र नहीं हो रहा था,
ऐसे नींद में मुझे किस करने की कोशिश क्यों? यश की ये बात सुनकर नैना का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो। ये कहते हुए उसने यश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। तभी यश प्रताप सिंह ने नैना से कहा, मुझे तैयार होने में मदद करो। ये कहते हुए वो उठ गया और नैना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं नैना के चेहरे पर इस वक्त कई सवाल छुपे हुए थे। तभी उसने यश से कहा, लेकिन बस कह दिया ना, पर चुप। ये कहते हुए उसने नैना को अपने क्लोजेट के सामने खड़ा कर दिया और उसे उसके लिए कुछ कपड़े निकालने का इशारा किया। नैना की नजर यश प्रताप सिंह के क्लोजेट की तरफ गई। कुछ पल के लिए वो देखती ही रह गई। यश के पास एक से बढ़कर एक फॉर्मल सूट्स का कलेक्शन था। उसमें एक कलर के कम 10 शेड्स के फॉर्मल सूट्स थे जो लगभग एक जैसे ही नजर आ रहे थे। उनके साथ ही यश की घड़ी और शूज का कलेक्शन देखकर तो नैना का सिर ही घूम गया था। इस वक्त नैना ने ढंग से यश को देखा। यश एक हट्टा कट्टा और चौड़ा 6 फुट का आदमी था और उसका रंग साफ था। तभी नैना ने मन ही मन कहा, ये सड़ू है तो काफी स्मार्ट, इस पर काला रंग अच्छा लगेगा। तभी नैना ने एक काले रंग का 3-पीस सूट निकाला और साथ ही उसमें यश के लिए मैचिंग शूज और घड़ी भी निकाली। तभी यश ने उससे कहा, मैं नहा कर आ रहा हूँ, उसके बाद तो मुझे अपने हाथों से तैयार करवाओगी। यश के मुंह से यह बात सुनकर नैना चौंक गई और उसने यश से कहा, लेकिन मुझे। यश प्रताप सिंह ने उसकी बात को काटते हुए कहा, कल तुम मुझे बिना बताए अपने पापा के घर चली गई थी, ये उसकी सजा है, तुम्हें अभी मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताना होगा। अपनी बात पूरी करने के बाद यश नहाने के लिए चला गया। वही नैना क्लोजेट के पास ही खड़ी रही। तभी नैना ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मुसीबत है। यश के वापस आने तक वो वहीं खड़ी रही। उसके बाद यश के कहे अनुसार वो उसे तैयार करवाने लगी। यश को तैयार करते वक्त नैना के हाथ कांप रहे थे। घबराहट की वजह से उससे शर्ट के बटन भी ढंग से नहीं लग पा रहे थे। यश एकदम गंभीर चेहरा बनाए नैना के चेहरे पर आए हुए इस डर को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। यश को पूरी तरह तैयार करने के बाद नैना ने उससे कहा, अब मैं जा सकती हूँ। उस बात पर यश ने नैना से कहा, नहीं एक काम और बचा है। फिर उसने नैना को ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई काजल की डिब्बी लाने का इशारा किया और हल्का सा काजल उसने अपनी गर्दन के पीछे लगवाने को कहा। नैना ने यश की गर्दन के पीछे हल्का सा काजल लगाते हुए मन ही मन कहा, ये कोई छोटा बच्चा है क्या, अब थोड़ी देर बाद कहेगा मेरे बाल भी बना दो। काजल लगाने के बाद नैना वहां से जाने लगी। तभी यश ने उससे कहा, मेरे बाल कौन बनाएगा। ये सुनते ही नैना का गुस्सा बढ़ गया और उसने मन ही मन यश से कहा, आर यू किडिंग मी। लेकिन अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए वो यश का हेयर स्टाइल बनाने लगी। उसके बाद यश ने करीब आधा घंटे और लिया और हर एक एंगल से खुद को शीशे में देखने लगा। जब उसको तसल्ली हो गई तो उसने नैना से कहा, आज से तुम रोज मुझे तैयार करवाओगी, कल फिर मेरे कमरे में 7:30 शार्प, यू मे लीव नाउ। ये सुनते ही नैना ने तुरंत कहा, लेकिन ये तो मैं। हालांकि इसके अलावा उसके मुंह से कोई और खास शब्द नहीं निकल पाए और वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यश किसी काम से हवेली से बाहर चला गया और नैना अपना कॉलेज का काम करने के लिए अपने कमरे में वापस आ गई। अब दिन के करीब 1 बज रहे थे। नैना अपने कमरे में बैठी कॉलेज का काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर उसके पापा की कॉल आई। कहाँ हो तुम? उसके पापा ने सवाल किया। मैं दोस्तों के साथ बाहर घूमने आई हूँ, नैना ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर बताकर जाना चाहिए था ना? उसके पापा ने उसे डांटते हुए कहा। हालांकि नैना के ऊपर उस डांट का कोई भी असर नहीं दिख रहा था। उल्टा ये सुनते हुए उसने गुस्से से अपनी आंखें और चढ़ा ली थी। फिर उसके पापा ने उससे कहा, शाम को घर आओगी? नैना ने तुरंत ना में जवाब दिया। ये सुनकर उसके पापा ने कॉल कट कर दी। माया उस वक्त दिनेश रावत के पीछे खड़े होकर नैना और उनकी सारी बातें सुन रही थी। असल में उसी ने दिनेश रावत को नैना को कॉल करने के लिए कहा था। नैना के जवाब पर उसे भरोसा नहीं हुआ और उसको लेकर उसके मन में शक और बढ़ गया। नैना वापस से अपने काम पर लग गई थी। तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ।
पापा की कॉल समझकर वो गुस्से से अपना फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन फिर फोन स्क्रीन पर मेघा का नाम देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने झट से मेघा की वीडियो कॉल उठाते हुए कहा, हाँ कैसी हो? मेघा उस वक्त अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। नैना को देखते ही उसने बोला, घर पर सब कैसे है? माया और माया की माया कैसी है? मेघा नैना की बहन माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए जब भी मौका मिलता वो माया की बहुत बेइज्जती करती थी। मेघा की उस बात का जवाब देते हुए नैना ने कहा, मैं तो नई हवेली में हूँ। क्या, लेकिन कल तो तुम रावत सदन जाने वाली थी ना? मेघा ने हैरान होकर सवाल किया। नैना ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, गई थी, मगर उस सड़ू ने मुझे कल धमकी दी थी कि अगर मैं सुबह उसके उठने से पहले नई हवेली वापस नहीं आई तो वो अपने ड्राइवर को मुझे लेने के लिए भेज देगा। यह सुनकर मेघा ने नैना से कहा, क्या यार, अब तेरी लाइफ में बिल्कुल भी आजादी नहीं है। किसी परियों की कहानी की तरह ना तू भी इस वक्त एक सोने के पिंजरे में बंद है। ये सुनकर नैना का मुंह लटक गया। फिर उसने मेघा से कहा, तूने कॉल क्यों किया था? उस बात पर मेघा ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, ये देख मुझे आज बहुत दिनों बाद पापा ने अपनी गाड़ी चलाने को दी है। मैंने सोचा कि कहीं हांड कर आते हम दोनों, पर तू तो अब कहां ही जाएगी। ये सुनते ही नैना ने माया से कहा, क्यों नहीं जाऊंगी, वैसे भी सड़ू घर पर नहीं है इसलिए मैं जा सकती हूँ, टाइम से घर वापस आ जाऊंगी। तू मुझे लेने के लिए नई हवेली आ जा, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। थोड़ी देर बाद नैना और मेघा देहरादून की सड़क पर मेघा की कार में घूमने लगे। वो लोग कई बार ऐसी लॉन्ग ड्राइव्स करते हुए मसूरी निकल जाया करते थे। आज नैना बहुत दिनों बाद मेघा की गाड़ी में घूम रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त अलग ही खुशी दिख रही थी। मार्च का महीना था और उस दिन सुबह का मौसम काफी अच्छा था। तभी नैना ने एक्साइटेड होकर मेघा से कहा, चल मसूरी चलते। ये सुनते ही मेघा ने उससे कहा, पागल मत बनो, भूलो मत कि अब तुम यश प्रताप सिंह की बीवी हो और उसकी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। ये सुनते ही नैना ने पहले तो अपना मुंह बना लिया और फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, शाम तक वापस आ जाएंगे, एक घंटे का ही तो रास्ता है। बात तो सही कह रही है। ये कहते हुए मेघा ने देहरादून से मसूरी जाने वाली सड़क की तरफ अपनी गाड़ी घुमा ली। उसी वक्त नैना को माया की मिस्ड कॉल आई। नैना ने तुरंत उसकी कॉल कट कर दी। उसके बाद उसके पापा की वीडियो कॉल आई। वो उसे भी कट करने ही वाली थी कि तभी मेघा ने उसे कॉल उठाने का इशारा किया। उसने जैसे ही कॉल उठाई उसे फोन की स्क्रीन पर माया का चेहरा दिखाई दिया। कहाँ हो तुम? माया ने तुरंत सवाल किया, तुम्हें इससे क्या मतलब? नैना ने कटाक्ष स्वर में कहा। तभी माया ने उससे कहा, तुम यश के साथ हो ना? उस बात पर नैना ने माया पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं मेघा के साथ हूँ, ये देखो। नैना ने वीडियो कॉल पर मेघा की शक्ल दिखा दी। मेघा को देखते ही माया ने कॉल कट कर दी। तभी नैना ने मेघा से कहा, यार इसे मुझ पर शक हो गया है। अच्छा इस वक्त मैं यहाँ हूँ, अगर नई हवेली होती तो इसको तो पता ही चल जाता। तभी मेघा ने नैना से कहा, तुम इसको इतना भाव मत दिया करो। मैं कहाँ भाव देती हूँ इसे, मुझे बस पापा का डर रहता है, अगर इसे मेरे और यश के बारे में पता चल गया तो ये मुझे आगे चलकर ब्लैकमेल करेगी, और मैं नहीं चाहती कि इसे मेरी किसी भी कमजोरी का पता चले। फिर तुरंत ही नैना ने अपना मूड अच्छा करते हुए गाड़ी में गाने चलाते हुए कहा, छोड़ना इन सब बातों को, रास्ता एंजॉय कर। फिर नैना और मेघा गाना सुनते सुनते मसूरी के लिए निकल गए। उधर माया का नैना और यश को लेकर शक अभी कम नहीं हुआ था। उसने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल लगाकर नैना पर नजर रखने के लिए कहा।